हेलो गाइज, वेलकम बैक. माई सेल्फ हर्षित अग्रवाल. और आज अपन काफी लंबे समय के बाद में आज अपन डिस्कस करेंगे, क्योंकि इतने दिन अपने डिस्कस किए थे सेट के जो भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस क्वेश्चन थे, खासतौर से लास्ट ईयर में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे उनके बारे में डिस्कस कर रहे थे. और अभी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो भी आपके लिए सेट और नेट के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, उन टॉपिक के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. आज अपन एक टॉपिक लेके आए हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट. देखो, इसका पहला पार्ट है वो मैं पहले बना चुका हूँ, पैसिव ट्रांसपोर्ट का. और अब अपन बात करेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है ना. खास तौर से देखो, एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करें तो उससे पहले मैं बता देता हूँ ट्रांसपोर्ट होता क्या है. कि कोई भी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से किसी भी मॉलिक्यूल का एक्सपोर्ट होना या इंपोर्ट होना, या फिर अपन कहें मॉलिक्यूल्स का या आयंस का मॉलिक्यूल्स का क्या होना, ट्रांसपोर्ट होना. अगर सेल के अंदर आवश्यक है तो आयंस अंदर जाते हैं, सेल के बाहर जाना है तो सेल के बाहर जाएंगे. ये सभी जो चीजें हैं वो रेगुलेट फोन करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इसीलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अपन क्या बोलते हैं, सेमी सिलेक्टिव मेम्ब्रेन नाम से जानते हैं. ये कैसी होती है, सेमी सिलेक्टिव होते हैं. दूसरी चीज है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है किन चीजों को अलाउ करता है, जो भी हाइड्रोफोबिक नेचर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, नॉन चार्जेबल मॉलिक्यूल्स होते हैं, स्मॉल साइज के मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको तो ये मॉलिक्यूल क्या करती है, अलाउ कर देती है. वो जिसमें एनर्जी की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती उसे अपन क्या कहते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं. लेकिन खास तौर से चार्ज आयंस को प्लाज्मा मेम्ब्रेन कभी भी अलाउ नहीं करती है. अगर चार्ज कोई भी आयंस है, अगर उनको ट्रांसपोर्ट होना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होते हुए, तो उनके लिए किसी प्रोटीन की आवश्यकता पड़ेगी. प्रोटीन के होते हुए वो सेल के अंदर या सेल के बाहर की तरफ एक्सपोर्ट हो सकते हैं. तो ये जो प्रोटीन होते हैं ये कैसे होते हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन. प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है. ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स जिनके थ्रू चार्ज आयंस जो है वो सेल के अंदर या सेल के बाहर जा सकते हैं. अगर इन चार्ज मॉलिक्यूल्स में ट्रांसपोर्ट के लिए अगर एनर्जी की आवश्यकता पड़ती हो, खास तौर से देखो, अगर इन चार्ज मॉलिक्यूल्स को या चार्ज आयंस को उनकी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट अगर भेजा जाए, मतलब लो कंसेंट्रेशन टू हाई कंसेंट्रेशन की तरफ अगर ट्रांसपोर्ट हो, ठीक है, मतलब पहले से लो कंसेंट्रेशन है और एक साइड में हाई कंसेंट्रेशन है. यहां पर अपन कहें ये कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, मैं ये कहूं कि कोई भी मॉलिक्यूल जो है ये उनकी कंसेंट्रेशन है, ठीक है, मतलब बाहर की तरफ क्या है, कंसेंट्रेशन उसकी ज्यादा है, जबकि अंदर की तरफ क्या है, कम है. लेकिन अगर कोई प्रोटीन यहां पर प्रेजेंट हो, यहां से, और ये मॉलिक्यूल जो है, खासतौर जैसे अपन मान लो सोडियम की बात करें, सोडियम बाहर ज्यादा है और अंदर की तरफ कम है, फिर भी अगर सोडियम को बाहर की तरफ भेजा जाए, इसका मतलब सोडियम अपनी लो कंसेंट्रेशन से हाई कंसेंट्रेशन की ओर जा रहा है, तो किसी भी चीज को अगर धकेलेंगे अपन, मतलब कहना है किसी भी चीज को अपन फोर्सली धकेलेंगे, तो वहां पर एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है. तो यहां पर जब कोई भी कंसेंट्रेशन अपनी लो कंसेंट्रेशन टू हाई कंसेंट्रेशन की ओर मॉलिक्यूल मूव करते हैं या आयंस मूव करते हैं, तो वहां पर एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है. यहां पर एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, और जहां एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है और मॉलिक्यूल्स आयंस का ट्रांसपोर्ट लोअर कंसेंट्रेशन टू हायर कंसेंट्रेशन, लो कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट टू हाई कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट की ओर किया जाता है, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के नाम से जानते हैं. इसका मतलब अपन क्या पढ़ रहे हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है. तो यहां पर अपन देखें एक्टिव ट्रांसपोर्ट में खास तौर से कोई भी मॉलिक्यूल हो अपनी हाई कंसेंट्रेशन, मतलब लो कंसेंट्रेशन टू हाई कंसेंट्रेशन की ओर मूव करते हैं.
आयंस चार्ज मॉलिक्यूल्स अपनी हाई कंसर्न अपनी लो कंसेंट्रेशन से हायर कंसेंट्रेशन की ओर मूव करते हैं ठीक है ना। इसमें एनर्जी की डायरेक्ट आवश्यकता होती है, इसमें एनर्जी नीड होती है, ठीक है। इसमें डायरेक्ट एनर्जी के रूप में अपन देखें, डायरेक्ट एनर्जी मोस्टली एटीपी यूज आती है। क्या आती है? एटीपी के रूप में यूज में आती है। इन एक्सेप्शन कई जगह जो एनर्जी का यूज है वो लाइट के रूप में भी होता है, लाइट के रूप में भी हो सकता है, कंसेंट्रेशन ऑफ ग्रेडियंट इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट्स हो सकते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट हो सकता है, इलेक्ट्रो केमिकल ग्रेडियंट्स हो सकते हैं। ये सभी एनर्जी के रूप में यूज में आ सकते हैं, लेकिन कंडीशन यही रहेगी कोई भी आयंस और चार्ज मॉलिक्यूल्स हैं वो अपनी लोअर कंसेंट्रेशन टू हायर कंसेंट्रेशन की ओर मूव करते हैं, अपनी या फिर अपन कहें अनफेवरेबल कंडीशन की ओर मूव करते हैं। यहां पर एनर्जेटिकली कैसे होते हैं? अनफेवरेबल होते हैं। कई बार सेंटेंस पूछा जाए आपके सामने, एनर्जेटिकली अनफेवरेबल होते हैं, स्वतः नहीं होते, इसमें एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है और फोर्सली किया जाता है, ठीक है ना। इसमें मैंने बता दिया आपको प्रोटीन्स कौन से होती हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होती हैं जिनके थ्रू आयंस का ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इसमें अपन देखें ये दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है जनरली दो प्रकार के होते हैं, एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट और सेकेंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। कौन से ट्रांसपोर्ट होते हैं? मतलब दो प्रकार के हो सकते हैं, एक तो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और एक आता है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अपन पहला अपन पॉइंट पढ़ते हैं, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, प्राइमरी ट्रांसपोर्ट। इसके नाम से भी देखो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, यहां पर एनर्जी जो है वो डायरेक्टली एटीपी के रूप में यूज में आती है, या फिर अपन खास तौर से कहें ये किस प्रकार का पंप का एग्जांपल है। प्राइमरी जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है खास तौर से ये अपन बात करते हैं तो ये पी टाइप पंप में आते हैं, इसके एग्जांपल कौन से आ जाएंगे? पी टाइप पंप। पी टाइप पंप में खास तौर से जो पी है यहां पर डायरेक्ट एनर्जी जो है वो किसके रूप में यूज में आती है? एटीपी के रूप में यूज में आती है, और एटीपी जो एनर्जी है वो खास तौर से मेटाबोलाइट जो आपकी या मेटाबॉलिज्म है वहां से आपको एटीपी प्राप्त होती है और एटीपी को डायरेक्ट कंज्यूम किया जाता है, इसलिए इसे पी टाइप पंप के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट इसका एग्जांपल देखिए, अपन पी टाइप का एग्जांपल खास तौर से देखें,
सोडियम, पोटेशियम पंप, कैल्शियम, एक्टिव पंप, ठीक है ना। ये दोनों जो एग्जांपल है वो किसके हैं, पी टाइप के पंप है और इसमें डायरेक्ट एटीपी जो है वो एनर्जी के रूप में यूज में आती है। खासतौर से अपन इसकी बात करें, ये खासतौर से मेमल्स वगैरह में पाए जाते हैं, एनिमल्स में पाए जाते हैं, प्लांट्स में एबसेंट होते हैं, एबसेंट इन प्लांट्स, प्लांट्स में ये नहीं पाए जाते हैं, इनकी जगह डायरेक्ट जो सोडियम सोडियम जो पंप है वो पाया जाता है, सोडियम पंप पाया जाता है, ठीक है ना। या फिर अपन कह सकते हैं प्रोटॉन पंप पाया जाता है, ये सभी चीजें पाई जाती हैं, लेकिन डायरेक्ट सोडियम पोटेशियम पंप वो प्लांट्स में देखने को नहीं मिलते हैं, खासतौर से मैमल्स और एनिमल्स का एक विशेष करेक्टर है। इस टॉपिक से देखो हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं, चाहे आप सेट के एग्जाम बैठ रहे हो चाहे नेट के एग्जाम बैठ रहे हो, कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। अपन एक मैं आपको बता दूं, इसका एग्जाम्पल पहले अपन देखते हैं, एक टू ट्रांसपोर्ट का। देखो आपको जो मेन मेन चीजें हैं वो बता देता हूं, इसका एग्जाम्पल बेस्ट एग्जाम्पल देखते हैं सोडियम पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम पंप। देखिए सोडियम पोटेशियम पंप खास तौर से कहां पे पाया जाता है, पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन प्रेजेंट फाउंड इन, खास तौर से देखो न्यूरॉन्स जो है नर्व इंपल्स है, न्यूरॉन्स है, मसल्स कंस्ट्रक्शन है, मसल्स है, उन सभी के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है ना। एक्शन पोटेंशियल को मेंटेन करने के लिए, अपनी जो नर्व इंपल्स है उसको रेगुलेट करने के लिए, हार्ट बीट रेगुलेट करने के लिए, उन सभी में जो सोडियम पोटेशियम पंप है वो जनरली पाया जाता है, ठीक है। कोई भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर साइड में पॉजिटिव चार्ज, बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज होता है, जबकि इनर साइड में नेगेटिव चार्ज, पाया जाता है, ठीक है। ये नॉर्मल सी बात है, आप अगर अपन डायग्राम ऐसे बनाए प्लाज्मा मेम्ब्रेन का तो यहां पर आप ऐसे डायग्राम बना सकते हो, यहां पर, और ये क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ऐसी कंडीशन जनरल कंडीशन में पाई जाती है, इसको जो मेंटेन किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, सोडियम पोटेशियम पंप के द्वारा मेंटेन किया जाता है। बाहर की तरफ पहले से क्या है, सोडियम की कंसंट्रेशन हाई है, अंदर की तरफ किसकी हाई कंसंट्रेशन है, पोटेशियम की, पोटेशियम अंदर की तरफ क्या है, हाई है, जबकि सोडियम जो है वो बाहर की तरफ हाई है, फिर भी सोडियम जो है यहां पर लो कंसंट्रेशन है, जबकि यहां पर पोटेशियम लो कंसंट्रेशन है, फिर भी होना क्या चाहिए, अपनी हाई कंसंट्रेशन टू पोटेशियम बाहर जाना चाहिए, लेकिन फिर भी अपनी हाई कंसंट्रेशन टू पोटेशियम लो मतलब अपनी पोटेशियम जो है अपनी लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन तरफ आ रहा है, और वैसे ही सोडियम पोटेशियम, ये सोडियम जो है अंदर कम है और बाहर ज्यादा है, फिर भी बाहर की तरफ आ रहा है, तो इसका ट्रांसपोर्ट जो है वो होता है, तीन सोडियम जो है वो बाहर की तरफ पंप किए जाते हैं और दो पोटेशियम जो है वो अंदर की तरफ पंप किए जाते हैं। इसमें जो कंडीशन है जस्ट ऑपोजिट है, क्योंकि सोडियम जो है वो अपने हाई लो कंसंट्रेशन को हाई कंसंट्रेशन जा रहा है, पोटेशियम भी अपने लो कंसंट्रेशन को हाई कंसंट्रेशन की तरफ आ रहा है, इसका मतलब यहां पर जो एक फोर्स लगेगा वो किसके रूप में लगता है, एटीपी से एक एनर्जी प्राप्त होती है, इसलिए एटीपी का हाइड्रोलाइसिस होता है और वहां से एनर्जी प्राप्त होती है, उसी के द्वारा ये पंप किया जाता है,
तो ये खासतौर से न्यूरॉन्स और मसल्स के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है ना। एक चीज अपन देखें कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये पंप जो है, ठीक है, बार बार लिखूंगा नहीं मैं, आपको समझ आना ये कौन से पंप की बात कर रहे हैं अपन, सोडियम पोटेशियम पंप की बात कर रहे हैं। ये 10 टाइम ट्रांस मेम्ब्रेन स्पेनिंग प्रोटीन है, ठीक है, कितनी बार है, 10 टाइम है। सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाएगा कभी आपसे, 10 टाइम का मतलब आप समझ रहे हो, यहां पर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और इसमें जो प्रोटीन जो है, खासतौर से ये जो चैनल प्रोटीन बना रही है, इसमें देखो ये एंड है आ गया, यहां पर अपन देखो एंड टर्मिनल, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, कितने बार स्पेनिंग हो रही है मेम्ब्रेन, तो मेम्ब्रेन यहां पर 10 टाइम स्पेनिंग हो रही है। इसको मेम्ब्रेन को अपन क्या बोलते हैं, स्पेनिंग। ये जो है अंदर की तरफ स्पेनिंग हो रही है, इसका मतलब अपन क्या समझ रहे हैं, यहां पर ये जो पोर्शन होता है जो मैंने जिगजिग बनाया है, इसका मतलब अपन बात करें अल्फा हेलिक्स, ये स्ट्रक्चर जो होती है वो कैसे होती है, अल्फा हेलिक्स होती है, जबकि बाहर की ये अल्फा हेलिक्स होती है, ये खास तौर से कैसी होती है, हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक प्रोटीन नेचर प्रकार की होती है, जबकि बाहर की तरफ ये जो निकली हुई है ये कैसी होती है, हाइड्रोफिलिक नेचर के प्रोटीन के पार्ट होते हैं जो बाहर की तरफ एक्सपोज रहते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है कॉमन प्रकार की, ये किसकी है, सोडियम पोटेशियम पंप की स्ट्रक्चर है। सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो दो प्रकार के प्रोटीन से मिलकर बना होता है, मैं फाइनल स्ट्रक्चर बाद में बना दूंगा, अभी आपको मेन मेन जो चीजें हैं जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं आपको वो बता रहा हूं। 10 टाइम ट्रांस मेम्ब्रेन स्पेनिंग प्रोटीन से बनी होती है, ठीक है, किससे बनी होती है, अल्फा हेलिक्स से बनी होती है। और अपन देखें अपन पढ़ रहे हैं सोडियम पोटेशियम पंप, मैंने बता दिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाया जाता है, न्यूरॉन्स में पाया जाता है, मसल्स कंस्ट्रक्शन में काम करता है, नर्वस पोटेंशियल एक्शन पोटेंशियल है उसको रेगुलेट करने के लिए काम आता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो पोलरिटी है उसको मेंटेन करने के लिए काम आता है, ठीक है ना। बाहर की तरफ पोटेशियम सोडियम ज्यादा होता है, अंदर की तरफ पोटेशियम ज्यादा होता है, फिर भी अपने जस्ट ऑपोजिट अपने ग्रेडियंट के विपरीत ये मूव करते हैं, डायरेक्ट एनर्जी यूज में आती है, एटीपी यूज में आती है। अब अपन बात करते हैं स्ट्रक्चर की, ये दो प्रकार के प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, दो प्रकार के प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, एक अल्फा सब यूनिट और सेकेंड आ जाएगी बीटा सब यूनिट, ठीक है। देखो कई बार इसमें से मोस्टली किसी भी एग्जाम में बैठ जाना आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, अल्फा सब यूनिट से सिंपल सा क्वेश्चन देखो आप, जो जनरली सीएसआईआर और नेट का जो है या फिर इसका सेट का है फेवरेट क्वेश्चन है कि सोडियम पोटेशियम पंप में से ऐसी कौन सी यूनिट है जिसमें आयंस का ट्रांसपोर्ट भी करता है और एटीपी का हाइड्रोलाइसिस भी करता है, दोनों एक्टिविटी किस में पाई जाती है, तो अल्फा सब यूनिट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट सब यूनिट है, इसमें
एटीपेज एक्टिविटी पाई जाती है। प्लस इसी के अंदर आयरन पंपिंग प्रॉपर्टी पाई जाती है। आयरन पंपिंग मतलब ट्रांसपोर्टर। ट्रांसपोर्टर के रूप में कौन से प्रोटीन काम करती है? अल्फा सब यूनिट के रूप में काम करती है। एटीपीएज एक्टिविटी, या इसको अपन ये भी कह सकते हो आप एटीपी हाइड्रोलाइसिस की एक्टिविटी भी इसी में पाई जाती है। एटीपी एक्टिविटी, एटीपीएज एक्टिविटी कहें या एटीपी हाइड्रोलाइसिस कहें, वो किस साइड में होता है? साइटोसोलिक साइड, इनर साइड में ये एक्टिविटी पाई जाती है। ठीक है, दूसरी चीज अपन बात करें कि सोडियम की बाइंडिंग साइट जो होती है वो कहां होती है? सोडियम की बाइंडिंग साइट इनर साइड होती है, क्योंकि आयन जो पंप किया जाता है, दो प्रकार के सब यूनिट बता दिए मैंने आपको, चलो वो बाद में बताता हूं। अल्फा सब यूनिट का बता दिया मैंने पूरा फंक्शन, बीटा सब यूनिट जो है वो हेल्पिंग सब यूनिट है। हेल्पिंग सब यूनिट है। दूसरी बीटा सब यूनिट जो होती है वो ग्लाइकोप्रोटीन का एक एग्जांपल है। ग्लाइकोप्रोटीन होती है, इनमें कार्बोहाइड्रेट या शुगर देखने को मिलता है बीटा सब यूनिट के अंदर। कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, केवल हेल्प करती है। आयन्स का ट्रांसपोर्ट भी कौन करता है? अल्फा सब यूनिट करता है। एटीपीएज का एटीपीएज एक्टिविटी या एटीपी हाइड्रोलाइसिस भी कौन करता है? अल्फा सब यूनिट करता है। ठीक है, ये इस प्रकार से इसकी सब यूनिट होती है। अब अपन बात करते हैं इससे रिलेटेड, कुछ और चीजें होगी तो मैं आपको बताऊंगा। इससे रिलेटेड अपन थोड़ा सा डायग्राम देखते हैं पहले। देखो एक चीज, अपन सिंपल सा डायग्राम पहले मैं आपको बना देता हूं। यहां पर अपन देखिए, ये स्टिक से देख लो, ठीक है, ये स्टिक से देख लो, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ये स्ट्रक्चर है। यहां पर ये जो सब यूनिट है ये कैसी है? अल्फा सब यूनिट है। और जो दोनों साइडों में है ये कैसी है? बीटा सब यूनिट है। ये बीटा सब यूनिट है। बीटा सब यूनिट के ऊपर इस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट के जो शुगर मॉलिक्यूल है वो अटैच होते हैं, इसलिए बीटा सब यूनिट कैसी होती है? ग्लाइकोप्रोटीन्स होती है। यहां पर जो है ये किसके रूप में काम करती है? आयनोपोर। आयनोपोर के रूप में काम करती है, एक पंप के रूप में काम करती है, ट्रांसपोर्टर के रूप में काम करती है। इसी के अंदर एटीपीएज एक्टिविटी पाई जाती है, जहां पर एटीपी का हाइड्रोलाइसिस होता है, प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ये स्ट्रक्चर पाई जाती है। इसी को मैं आपको थोड़ा सा और डिफाइन करके बताऊं आपको। ये सभी चीजें आप लोग नोट कर लेना भैया, जो भी चीजें मैं बता रहा हूं आपको कहीं ना कहीं हर एग्जाम में देखते ही आंसर आप सोल्व कर दोगे इसका। अगर आपने आज का ये वीडियो देखा है और सेट के एग्जाम में आप बैठने वाले हो 26 तारीख को, तो आपके इससे क्वेश्चन अगर आए हैं तो गलत नहीं होंगे। ठीक है, अब अपन इसकी स्ट्रक्चर देखें। ठीक है,
ये अपन एक जनरल स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। ये कौन से सब यूनिट है? अल्फा सब यूनिट है, ये जो हेल्पिंग है ये वाली बीटा सब यूनिट है, बीटा सब यूनिट है। इसका मतलब यहां पर मैं आपको एक डायग्राम बनाऊं कि सोडियम जो है बाहर की तरफ ज्यादा होता है, सोडियम जो है वो बाहर की तरफ ज्यादा होता है। और सोडियम अंदर की तरफ क्या होता है? कम होता है। सेम इसी प्रकार से पोटेशियम जो है बाहर की तरफ जो है कम होता है और पोटेशियम अंदर की तरफ हाई होता है। चार्ज की बात करें अपन तो चार्ज कैसा होता है? बाहर की तरफ पॉजिटिव और अंदर की तरफ नेगेटिव। ये अल्फा सब यूनिट है। इनमें जो भी मॉलिक्यूल आयंस का ट्रांसपोर्ट होता है वो हमेशा कैसा होता है? यहां पर सोडियम जो है पहले यहां पर बाइंड होगा, सोडियम अंदर की तरफ बाइंड होगी। कितने सोडियम बाइंड होंगे? 3 सोडियम। और यहां पर अपन देखें, यहां पर अपन देखें तो यहां पर क्या है? पोटेशियम बाइंडिंग साइट। इसका मतलब अपन बात करें कि सोडियम बाइंडिंग साइट कहां पे है? इनर साइड में। आपको याद रखना, देखो क्वेश्चन में आपने सेट का जो मेरी वाली बुक है आपने सोल्व की होगी, क्वेश्चन आया होगा उसमें, काफी बच्चे कंफ्यूज है इस टॉपिक से। तो यहां पर देखो आप, सोडियम बाइंडिंग साइड कहां? इनर साइड। या फिर अपन कह सकते हैं साइटोसोलिक कह सकते हैं। पोटेशियम बाइंडिंग साइड तो ये कहां पे है? आउटर साइड। कितने पोटेशियम बाइंड हो सकते हैं यहां पर? 2 पोटेशियम। तो पोटेशियम जो है वो यहां पर बाइंड होते हैं और यहां पोटेशियम जो है वो अंदर की तरफ। पोटेशियम कितने आते हैं? 2 पोटेशियम अंदर की तरफ आते हैं। और यहां पर अपन बात करें कितने पोटेशियम बाहर की तरफ पंप किए जाते हैं? 3 पोटेशियम सोडियम, ये 3 सोडियम बाहर की तरफ पंप किए जाते हैं, जबकि पहले से ज्यादा है फिर भी बाहर की तरफ पंप किया जा रहा है। पोटेशियम की अपन बात करें, पहले से अंदर ज्यादा है फिर भी अंदर की तरफ पंप किए जा रहे हैं। तो आपको याद रखना है पोटेशियम बाइंडिंग साइट हमेशा आउटर साइड में होती है, एक्स्ट्रा सेलुलर साइड में होती है, जबकि सोडियम बाइंडिंग साइट है वो इनर साइड में होती है। दूसरी चीज बात करें यहां पर ये क्या है? एटीपेज, एटीपी बाइंडिंग साइट। एटीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ये क्या है? एटीपी बाइंडिंग साइट। एटीपी बाइंडिंग साइट भी कहां है? अंदर की साइड, साइटोसोलिक साइड, अंदर की साइड, इनर साइड या साइटोसोलिक साइड आप कह सकते हो इसको, ठीक है। अंदर की साइड में है तो एटीपी का हाइड्रोलाइसिस भी किसमें कौन करता है? एटीपी का हाइड्रोलाइसिस भी अल्फा सबमिट कर रही है। बीटा सबमिट कुछ कर रही है? कुछ नहीं कर रही है, हेल्पिंग के रूप में पाई जाती है। इन पे कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स है वो पाए जाते हैं, इसलिए ग्लाइकोप्रोटीन का एक बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये पूरे फंक्शंस जो है मैंने आपको बताए हैं, तो ये कहाँ पे पाए जाते हैं? न्यूरॉन्स और मसल्स कंस्ट्रक्शन में, या नर्व इंपल्स जो है खासतौर से उनमें कंट्रोल करते हैं। हार्ट बीट अगर बढ़ जाए तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी आप सोडियम पोटेशियम पंप को इनहिबिट कर दीजिए, हार्ट बीट है वो थोड़ी डाउन पड़ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ड्रग्स हैं खासतौर से,
यहां पर देखो एग्जांपल, डिजिटॉक्सिन, और कुआबेन, ये दो ऐसी ड्रग्स है खासतौर से ग्लाइकोसाइड ड्रग्स के नाम से जानते हैं। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सी ग्लाइकोसाइड ड्रग्स है। ग्लाइकोसाइड ड्रग्स का मतलब यहां पर है डिजिटॉक्सिन और कौन सा है कुआबेन, दोनों कैसे है ग्लाइकोसाइड ड्रग है। खास तौर से दोनों ही ड्रग जो है वो हार्ट फेलियर ट्रीटमेंट के लिए यूज में आती है। ट्रीटमेंट में यूज आती है दोनों ही कैसे हैं, इनहिबिटर्स हैं खास तौर से। इनहिबिटर्स किसको इनहिबिट करते हैं, ये खासतौर से जो एटीपेज पंप है, एटीपेज को क्या करते हैं इनहिबिट करते हैं। एटीपेज को इनहिबिट करेंगे तो पोटेशियम सोडियम पोटेशियम का पंप जो है वो कैसे हो जाएगा, इनहिबिट हो जाएगा। इसका मतलब इनहिबिट डायरेक्ट रूप से किसको करते हैं, सोडियम पोटेशियम पंप इनहिबिटर, ये सोडियम पोटेशियम पंप को इनहिबिटर है, जिसके कारण से आप कह सकते हो कि हार्ट बीट जो है हार्ट रेट को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, साथ ही ब्लड प्रेशर को भी कम करते हैं, जिसके कारण से हार्ट फेलियर को रोका जा सकता है। इसका मतलब इसमें से जो भी क्वेश्चंस बनने वाले हैं, मैंने आपको एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, खासतौर से एक्टिव ट्रांसपोर्ट में सोडियम पोटेशियम पंप है, उनसे रिलेटेड टोटल चीजें मैंने आपको बताई है, कहां कहां कौन से सब यूनिट्स पाए जाते हैं, कौन से सब यूनिट्स का क्या रोल है, 10 टाइम ट्रांस मेम्ब्रेन स्पेनिंग प्रोटीन होती है, और अपने कंसंट्रेशन के ग्रेडियंट एनर्जी अनफेवरेबल कंडीशन में वर्क करता है, और मोस्टली जो भी चीजें हैं उसको मेंटेन करता है, खासतौर से नर्वा इंपल्स एक्शन पोटेंशियल्स हैं, हार्ट बीट को कंट्रोल करता है, सभी चीजें को सोडियम पोटेशियम पंप का वो कंट्रोल करता है, ठीक है। इसमें फिर भी आपको किसी प्रकार, और मैंने बता दिया आपको डिजिटॉक्सिन और कुआबेन जो है उनका दोनों का रोल भी बताती है, फिर भी आपको किसी प्रकार के अगर डाउट होते हैं इस प्रकार की वीडियो में तो आप कमेंट करके कमेंट जरूर बताइए, और सेट में इस वीडियो को जरूर देखा जाए ताकि आपको बेनिफिट हो सके, ठीक है ना। इसी के साथ आज की क्लास जो है वो कंप्लीट होती है, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।